नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, बार बार मैं ये बात आपको बोलता हूँ कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई आपसे सीखे। और इन दिनों आपके जीवन में क्या हो रहा है कि अपने जीवन को बहुत हद तक आप स्थिर करके अपने व्यापार और इनकम के बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है कि आपको इन दिनों थोड़ा धन की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन को थोड़ा सा स्टेबल करें, और काफ़ी समय से कुछ छोटे छोटे काम जो आपके रुके हुए हैं, जैसे संतान पक्ष को लेकर के मेहनत के अनुसार कुछ ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है, या कुछ घर वगैरह बनाने का विचार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है। लेकिन इस जुलाई का जो महीना आ रहा है ना, इसके राशिफल में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि कोई नहीं बोलने वाला है आपको कि तुम कमज़ोर हो। मतलब आपस में अंदर में ही आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं टूट ना जाऊं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है कि आप स्वयं सोचोगे और लोग भी बोलेंगे कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तो तुम कमज़ोर नहीं हो, और जुलाई के इस राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। तो प्रिय कन्या राशि वाले, मैं बताऊँगा कि जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए बहुत फेवर है, जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो राशिफल है चंद्राशि पर आधारित है, आपको अपना चंद्राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। ऐसे तो देखिए गोचर के आधार पर वीडियो है, कुछ चीज़ें अगर मैच नहीं करती हैं तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, अपने कर्मों में सुधार कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके खुद के कर्म का और आपके जन्म पत्रिका का ही असर पड़ता है। ये एक आप एक आइडिया ले सकते हैं, एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए स्वागत करता हूँ कन्या राशि वाले जुलाई महीने के राशिफल में, कि कोई नहीं बोलेगा तो कमज़ोर हो, आखिर क्यों, एक एक करके सभी चीज़ों का मैं वास्तविकता चर्चा करूंगा। सबसे पहले कन्या राशि वाले, जुलाई महीने में आपके व्यापार और नौकरी की स्थिति बारे में विचार करता हूं। देखिए आपके कर्म क्षेत्र पे जो है 7 तारीख तक शुक्र बैठे हुए हैं और 16 तारीख तक सूर्य बैठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक बात मैं यह बता देता हूँ, जब तक सूर्य और शुक्र कर्म क्षेत्र पर हैं जीवन में कुछ न तो कुछ ये बड़ा करवाएगा। यानी आपके जीवन में 16 जुलाई तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर आपके जीवन में दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी जो है कह सकता हूँ एक सफलता का रास्ता खुलेगा। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, जिन लोगों को लगता है कि नौकरी या व्यापार को लेकर कुछ ढंग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए 12 जुलाई से बेहतर परिवर्तन होगा। जब आपके सप्तमेश बृहस्पति के साथ मंगल की युति होगी, बृहस्पति का बल बढ़ेगा, तो आपके जीवन में जो है ये नए नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन हेतु बहुत बढ़िया उपलब्धि आएगा। किसी प्रकार का नौकरी या व्यवसाय में कानूनी अड़चने या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, या रीज्वाइनिंग को लेकर के कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा था, या ज़्यादा धन वाला नौकरी नहीं मिल रहा था, इसकी शुरुआत तो वास्तविकता तौर पर 7 तारीख से ही हो जाएगी, लेकिन 12 जुलाई से इस प्रकार की समस्याएँ भी ठीक होते हुए नजर आएगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है ना कि आखिर इसकी तरक्की के रास्ते कैसे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में शनि जो है वक्र अवस्था में है, तो बेहतर परिणाम तो दे रहा है, क्योंकि एक घर पहले के भी प्रभाव को ये दे रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का निचस्त दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रहा है। और इसमें बेहतर सुधार कब से होगा, 7 तारीख से, जैसे ही शुक्र आय भाव पे जाएगा पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव मकर राशि शुक्र के मित्र की राशि होती है, तो आपके जीवन में 7 तारीख के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, कोई जॉब का इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है, वह आपके फेवर में आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि धन का मालिक भी आपके आय भाव में पंचम भाव पे बैठेगा, तो जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी वो नौकरियां वापस आएगा, ये सबसे बड़ा बात भी रहेगा, बेहतर होने वाला है। चलिए जानते हैं विदेश यात्रा का हाल कैसा है। लग्नेश जब भी द्वादश भाव में जाएगा तो वो विदेश यात्रा के संजोग को बनाएगा ही बनाएगा। शुक्र आय भाव में 7 जुलाई को चले जाएंगे यानी कर्क राशि में, और 16 जुलाई से सूर्य जो है वो आय भाव पे चले जाएंगे। आयस मजबूत होगा, भाग्यस मजबूत होगा, द्वादश मजबूत होगा, विदेश यात्रा कर लोगे। तो आपकी कुंडली में 7 जुलाई से विदेश यात्रा के संजोग दिखने चालू होंगे, और ये सच्चाई है कि आप जाओगे, आप घूमने जा सकते हो, आप किसी काम से जा सकते हो,
कंपनी के द्वारा भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें बेहतर बढ़ोतरी 12 जुलाई से मिल जाएगा। यानी 12 जुलाई के बाद आप विदेश यात्रा जा रहे हो, कोई नहीं रोक रहा है। इनकेस जिनका सालों से विदेश यात्रा में बाधा था ना, आपके लिए जो है एक्चुअल समय 19 जुलाई से बेहतर होना चालू हो जाएगा। ये बात आप लिख लो। कैसा रहेगा इनकम का हाल? थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, कोई नहीं बोलेगा तुम कमज़ोर हो, और अब यहाँ पे उस बात का मैं खुलासा कर देता हूँ। 7 जुलाई से आपके धन का मालिक शुक्र आय भाव में चला जाएगा। 16 जुलाई से सूर्य आय भाव में चले जाएंगे। सूर्य और शुक्र के युति को अशुभ नहीं माना जाता है, और दोनों जो है पंचम भाव पे दृष्टि भी डालेंगे। तो मतलब जो आपका कुछ पेंडिंग वर्क है, जैसे आपको घर वगैरह बनाना है, या मेहनत कर रहे सैलरी ज़्यादा प्राप्त करनी है, व्यापार में इनकम नहीं हो रहा है, तो 7 जुलाई से भर भर के इनकम होने का आसार चालू हो जाएगा। और 19 जुलाई के बाद कुछ लोन या कर्ज है उसको आप समाप्त भी कर दोगे। इसलिए जुलाई के महीने में कोई नहीं बोलने वाला है कि आप कमज़ोर हो, कुछ बड़ा होने वाला है, यही होने वाला है, ये बात याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके वैवाहिक जीवन का हाल। आपके विवाह स्थान का एक्चुअल लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, लेकिन सप्तम भाव में राहु विराजमान होकर के आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी अनकंडीशनल स्थितियों को पैदा किया है, अनएक्सपेक्टेड, जो आप कभी सोच नहीं रहे हो। हो क्या रहा है कि किसी ने तो किसी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे, किसी ने तो किसी कारण से जो है काम के क्षेत्र में आपको अलग जाना पड़ रहा है, किसी ने तो किसी कारण से जो है आपके पत्नी का या पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन संजोग ऐसा हो रहा है कि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पा रहा है, या फिर पुराने कुछ विवाद के चलते झुकने को रेडी नहीं है। सीधी बात, बृहस्पति का बल मंगल बढ़ा देगा 12 जुलाई से, और जैसे ही 12 जुलाई से बृहस्पति का बल मंगल बढ़ा देगा तो आपके जीवन में कुछ बड़ा हो जाएगा। यानी 12 जुलाई से विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। शुरुआत तो 7 जुलाई से ही हो जाएगा, जो आर्गुमेंट है, जो बहस है, वो तो 7 जुलाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक रूपता, एक साथ रहने की स्थिति या विवाह के ढंग के रिश्ते वो 12 जुलाई से आने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से जहाँ तक मतभेद की स्थिति चल रही है, वह भी आपके जीवन में 12 जुलाई से ठीक होना चालू हो जाएगा। लव लाइफ को जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, वो 7 जुलाई से आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। हालांकि जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए बढ़िया समय 12 जुलाई से ही आएगा, और एकदम परफेक्ट जो है लव लाइफ का सुधार आपके जीवन में 16 जुलाई से हो जाएगा, जब बृहस्पति के पंचम भाव पे दृष्टि पड़ जाएगी। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ, बृहस्पति का निचस्त दृष्टि इन दिनों क्या कर रहा है, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जो है शिक्षा के मामले में ठीक नहीं है। कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपका आत्मविश्वास काम नहीं कर रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ कारण से आप थोड़े से डिप्रेस हो जा रहे हो। आपके जीवन में 7 जुलाई से शुक्र आय भाव पे जाएगा और पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव पे निचस्त बृहस्पति की दृष्टि कम हो जाएगी, उसका बैड इफेक्ट। तो आपके जीवन में 7 जुलाई से शिक्षा में बढ़ोतरी है, 7 जुलाई के बाद अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं, 7 जुलाई के बाद जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा, 7 जुलाई के बाद जो है आपके जीवन में जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है, ये अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स कराना, उसके चांस तो बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही शुक्र द्वितीय भाव का भी मालिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में बिजी होते हो, या आलस्यपन दिखाते हो, या आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो, या ज़्यादा अपने आप को जुबान चलाते हो, तो पढ़ाई के मामले में या इंटरव्यू या रिजल्ट के मामले में आपको नुकसान भी दे देगा। शुक्र मोहिनी है, ज़्यादा मोहिनी के चक्कर में पड़ोगे तो मुँह में सब बर्बाद होता है। इसलिए आपको अपनी वास्तविकता एटीट्यूड को याद रखना है कि मुझे वास्तविकता तौर पर ये करना है, समझ गए। इसके अलावा जहाँ तक द्वितीय संतान की बात मैं करूँ, चलिए प्रथम संतान की बात कर दूँ, 7 तारीख से संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, जो महिलाएं संतान कंसीव करके उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। द्वितीय संतान का शुरुआत या स्वास्थ्य में सुधार 12 जुलाई से पहले नहीं होगा, 12 जुलाई के बाद सुधार हो जाएगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य और केस मुकदमा का हाल? मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, आपके जीवन में 7 जुलाई से स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा, और 12 जुलाई के बाद किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा है तो आप उसमें विजयी हो रहे हैं।
हालांकि एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ, आपके लग्नेश या राशि स्वामी बुध जो है ना, ये 19 जुलाई से द्वादश भाव पे रहेंगे। तो 19 जुलाई के बाद ना आप ज़्यादा खर्च करने से पहले बचे, अपने पिता से सीनियर से मतभेद करने से बचे, कुछ इधर का बात उधर करने से बचे, और इसके अलावा अहंकार पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो नेगेटिविटी की ओर दे देगा, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी थोड़ा कमज़ोर है तो स्वयं अपने आप के अपनी परिस्थिति को ठीक करने में लगे रहेंगे, तो आपके ऊपर में भी हो सकता है थोड़ा एनर्जी कम मिले। मेरा कर्तव्य तो आपको बताना है, दुर्गा चालीसा का पाठ बेहतर ऑप्शन रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ बेहतर ऑप्शन रहेगा, और अगर प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरा 31 दिनों के लिए, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे 31 दिनों के लिए प्रत्येक दिन रात्रि में कुत्तों को रोटी और दूध खिलाइए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, राहु का बैड इफेक्ट कम होगा और इनकम के सोर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कोई नहीं बोलेगा कि तुम कमज़ोर हो, कि इस खास कार्यक्रम में जो जुलाई के महीने के राशि फल है इसमें संपूर्ण विचार मैंने आपको बताया है बेहद रूप से। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।